खरा जी टीवी न्यूज। बुलंदशहर के रेलवे स्टेशन पर बैठे युवक के साथ जीआरपीएफ के जवानों ने की युवक की पिटाई। बुलंदशहर के कसाईबाड़ा के सरायकाजी का रहने वाला है पीड़ित युवक। कल दोपहर किसी काम से पीड़ित युवक गया था रेलवे स्टेशन और वहां पर पेड़ की छांव में बैठ गया। जीआरपीएफ के जवानों ने युवक से कहा जाने के लिए, युवक वहां से नहीं गया तो जीआरपीएफ के जवानों ने उसे लाठी डंडों से पीटा और खूनम खान कर दिया। जब यह खबर युवक के परिवार को पता चली तब उन्होंने युवक को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर करने के लिए कहा। युवक की हालत गंभीर है, परिजनों ने अभी तक नहीं दी है कोई तहरीर। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। नजीम, क्या हुआ आपके भाई के साथ? ये भाई के मेरे भाई के साथ ये हुआ था, वो पेड़ के नीचे बैठा था। कहाँ पे? यहाँ स्टेशन की तरफ। जब वहाँ बैठे जीआरपी वाले ने कहा इनको चलो भाई चलो यहाँ से उठो, वो उठ के चल पड़े। उन्होंने उसके पीछे को देख लिया, हम लोगों ने साले देखता जाना ना। उन्होंने सुनते के साथ ही पांच छह जनों ने लाठियां मारी, सिर में लगी हैं डंडे वंडे, पूरी कमर पे उपड़े पड़ी ताकि ये हाथ पर उठने से बहुत वो कर रहे हैं। वो ये बाहों की सूजी पड़ी है, सिर में थोड़ी ज्यादा चोट है। जिला अस्पताल आए हो जी? क्या कहा डॉक्टर ने? ये कहा यहाँ से ले आओ, मेरा इलाज होगा इसका, यहाँ पे नहीं है इसका इलाज। इसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी आपने? तहरीर तो ये है, अभी तीन दिन से आज पता पड़ी है, तीन दिन से घर पे नहीं आया, आज ही पता पड़ी। अभी पुलिस वाले ने नेट पे छोड़ी है खबर। कब हुआ था वारदात आपके भाई? ये वारदात हुई है कल। तो कल आपको पता नहीं? नहीं, तीन दिन में आज ही पता पड़ा, तीन दिन से घर ही ना आई।